ब्यावर वन क्षेत्र के समीप स्थित ग्राम सांगरवास में स्थित खनन क्षेत्र में वन विभाग की ओर से गुरुवार को पिंजरा लगाया गया। ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही पैंथर मूवमेंट की शिकायत के बाद वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया है। जानकारी के अनुसार सारोर चौराहे के समीप स्थित ग्राम सांगरवास में एक खनन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत थी कि पैंथर द्वारा लगातार उनकी बकरियों को शिकार बना रहा है। उधर वन विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा लगाया। इस दौरान आसपास के क्षेत्र का मौका मुआयना करने पर वन विभाग के कर्मचारियों को खनन क्षेत्र के समीप स्थित एक पानी के स्रोत पर पैंथर के ताजा पगमार्क भी दिखाई दिए, जिससे पैंथर के आसपास होने की बात की पुष्टि हुई। पिंजरा लगाए जाने के दौरान सहायक वनपाल भगवान सिंह, सुधीर व पैंथर संरक्षण के लिए कार्य करने वाले कैलाश सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को रात के वक्त अकेले नहीं घूमने की हिदायत दी है। फ्रीडा ग्राम पंचायत के पास एक सांगरवास से ग्रामवासियों ने शिकायत की थी ब्यावर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से लैपट का मूवमेंट है। तो उनकी सूचना के आधार पर वन विभाग और मैं वहाँ पर गए और पिंजरा वहाँ पर लगाया है। तो जल्द से जल्द उस जो लैपट है उनको वहाँ पर कैच में आ जाएगा। बट ये देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह से लेपर्ड के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि ये इनका हैबिटेट है और हम इनको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल ही एक गलत है ये, बिल्कुल प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेपर्ड का जो हैबिटेट है उस हैबिटेट में इंसानों का अतिक्रमण हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनका हैबिटेट जो है नेचुरल है वो वहाँ पर रहेंगे। इनके खाने पीने के जो भी है वो स्रोत घट रहे हैं, कम हो रहे हैं इंसानों की वजह से। जो इनका मेन जो फूड है वो इंसान खा रहे हैं। बात करते हैं अपन रैबिट की, ये पॉर्क्यूपाइन, नील गाय और ये जंगली सुअर है, ये सारे के सारे इनके ये फूड है। तो इनको ये इंसान खा रहे हैं, तो लेपर्ड के लिए क्या बचे? लेपर्ड जाहिर सी बात है, लेपर्ड फिर इंसानों की बस्तियों में अटैक करेगा।